इन टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। पढ़ते हैं एडिटोरियल और समझते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया बोर्ड टू यूएस प्रेशर। इररिस्पेक्टिव, इस इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है का विचार किए बिना, मतलब किसी बात को ध्यान में लिए बिना। रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, कि क्या भारत अमेरिका के प्रेशर के आगे झुक गया, इस बात का विचार किए बिना। इट इज अनलाइकली, इस बात की बहुत कम संभावना है। लाइकली मतलब किसी घटना के होने की संभावना, अनलाइकली मतलब होने की संभावना न होना। इट इज़ अनलाइकली टू रन आउट। रन आउट का मतलब है किसी की सप्लाई की कमी पड़ जाना। जैसे आपके पास कोई चीज़ स्टॉक में रखी हुई ना, तो आप अगर रन आउट हो गए तो मतलब है आप उसकी कमी पड़ गई आपके पास। रन आउट ऑफ द ड्रग। अब यहाँ पे हम एक औषधि, यहाँ पे ड्रग का मतलब है दवाई या फिर औषधि, तो इस एडिटोरियल में एक औषधि की बात की जा रही है। आगे पढ़ेंगे हम तो समझ में आएगा। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक औषधि है जिसकी मांग अमेरिका के द्वारा भारत से की जा रही है, और भारत अमेरिका के आगे झुक गया है या नहीं झुका है इस बात का तो विचार ही छोड़ो, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि उस दवाई की हमारे पास कमी पड़ जाएगी, है ना। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई भारत जो है अमेरिका के आगे झुक गया है, और अमेरिका के दबाव में आके भारत जो है उस दवाई का सप्लाई जो है अमेरिका को करेगा। तो एडिटोरियल कह रहा है कि ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट है वो बात ये है साहब, इस बात की बहुत कम संभावना है कि उस दवाई की जो है हमारे पास कमी पड़ जाए। अब देखते हैं वो कौन सी दवाई है और क्या कुछ मामला है। तो आफ्टर इम्पोजिंग, इम्पोज का मतलब होता है लागू कर देना किसी चीज़ को, है ना। आफ्टर इम्पोजिंग ए ब्लैंकेट बैन, ये जो ब्लैंकेट बैन शब्द आया है ना, इसका मतलब होता है पूर्ण प्रतिबंध लगा देना किसी चीज़ पर। ऑन द एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, और एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना। तो एक्सपोर्ट ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग, तो वो जो जिस औषधि की बात की जा रही है ना, वो औषधि है एंटी मलेरिया ड्रग, है ना, एंटी मलेरिया, जिसका कि नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ऑन अप्रैल 4। तो क्या हुआ कि 4 अप्रैल को भारत ने इस औषधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किस औषधि पर? ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ना, ये एंटी मलेरिया ड्रग है ना, मलेरिया को रोकने के काम आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, विदाउट एग्जेम्पशन भारत ने रोक लगा दी इस पर, पूरी तरीके से रोक लगा दी। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देना, है ना, ऑन ह्यूमैनिटेरियन और अदर ग्राउंड्स। ग्राउंड का मतलब है यहाँ पे भाई किसी भी आधार पर जो है भारत ने मना कर दिया कि इस दवाई को जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे मानवीय आधार ही क्यों ना हो, किसी भी आधार पर इस बात की छूट नहीं दी गई। भाई बोलते हैं ना कि ठीक है आपने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ मामलों में या फिर कुछ चीज़ों में छूट मिली हुई है। तो इस दवाई पर जो है या फिर औषधि पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, और किसी भी मामले में जो है किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। इंडिया रिवर्स, लेकिन क्या हुआ, फिर इंडिया ने अपना फैसला पलट दिया। रिवर्स का मतलब पलट देना, बदल देना, द पॉलिसी, कि भारत ने ये जो पॉलिसी अपनाई ना 4 अप्रैल को कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, इस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया, लेकिन भारत ने इस पॉलिसी को जो है बदल दिया 2 डेज लेटर। लेटर मतलब बाद में, 2 दिन बाद में। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है। द डिसीजन टू रिवर्स द बैन वॉज मेड पब्लिक आवर्स आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न्ड ऑफ रिटेलिएशन इफ इंडिया विदहेल्ड सप्लाइज ऑफ द ड्रग फॉर विच ऑर्डर्स हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि भारत का ये जो डिसीजन था ना, कि भारत ने पहले तो लगा दिया पूर्ण प्रतिबंध, इसके बाद में भारत ने प्रतिबंध हटा लिया। तो ये जो प्रतिबंध भारत ने हटा लिया ना, इसकी घोषणा सार्वजनिक की गई। कब की गई? द डिसीजन टू रिवर्स, कि इस प्रतिबंध को पलटने का डिसीजन जो है जब लिया गया, बैन को जो है कि भाई वापस रिवर्स कर दिया गया इसे, वाज मेड पब्लिक, इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई आवर्स आफ्टर, घंटों के, कुछ घंटों के बाद, जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, वार्न्ड ऑफ, किस बात की चेतावनी दी, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को बदला लेने की चेतावनी दी कि अगर भारत ने रोका, विदहेल्ड का मतलब है रोक लेना किसी चीज़ को, सप्लाईज ऑफ ड्रग फॉर विच ऑर्डर्स हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, कि अमेरिका ने भारत को कहा कि भाई हमने जो ऑर्डर्स आपको दे दिए हैं ना सप्लाई करने के लिए, कि भाई इतनी दवाई तो ये ड्रग तो हमें चाहिए ही चाहिए, जितने ऑर्डर जो है प्लेस हो चुके हैं ना, तो अगर आपने वो सप्लाई हमें नहीं की तो जो है भारत अंत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो चेतावनी दी कि अमेरिका जो है प्रतिशोध लेगा। तो इसके बाद में जो है भारत ने एक तरीके से
क्या किया, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, इस बैन को एक तरीके से हटा लिया। ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करना चाहता है कि इफ़ इंडिया विदर्ड, कि अगर भारत ने सप्लाई को रोका, इस ड्रग की सप्लाई को रोका, है ना, अमेरिका ने ऑर्डर दे रखे हैं सप्लाई की, अमेरिका इस ऑर्डर, इस दवाई को चाहता है, फॉर विच ऑर्डर्स हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, कि भाई जिनके लिए ऑर्डर पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं, गिवन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, विचार करते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो गिवन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, यह काफ़ी मुश्किल होगा, टू बिलीव दैट, यह विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, दैट द डिसीज़न टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शन, कि भाई भारत ने जो प्रतिबंध लगा दिए थे ना, एक तरीके से भारत ने जो बैन लगा दिया था कि हम इस ड्रग की सप्लाई नहीं करेंगे, है ना, टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शन वॉज टेकन इंडिपेंडेंट ऑफ US प्रेशर। अब देखो, अगर भारत ये कहे कि साहब हमने इस दवाई पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब जो हमने बैन को हटा लिया, तो ये बैन हमने हटा लिया ना, तो ये किसी के दबाव में आके नहीं हटाया, ये हमने एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिसीजन है, ये हमारा स्वतंत्र डिसीजन है, लेकिन एडिटोरियल का कहता है कि भाई परिस्थितियों को अगर हम नज़र डालें, परिस्थितियों पर अगर विचार करें, तो इस बात की संभावना बहुत कम नज़र आती है कि ये जो निर्णय भारत ने लिया है, ये निर्णय भारत ने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिया है, यानी कि काफ़ी हद तक संभावना है कि ये निर्णय भारत ने अमेरिका के दबाव में लिया है। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यह विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये जो बैन को हमने एक तरीके से जो बैन लगा दिया था, और इस बैन को जो वापस हमने हटा लिया, तो ये जो डिसीजन हमने लिया, यह बिना US के दबाव में आके लिया, ऐसा विश्वास कर पाना काफ़ी कठिन होगा। बट द पंडेमिक, पंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, बिल्कुल अब तो याद हो गया होगा, लगभग रोज ही आता है शब्द, कोरोना वायरस के लिए कहा जा रहा है। बट द पंडेमिक हैज सीन सेवरल कंट्रीज डिस्प्लेइंग सॉलिडरिटी, सेवरल कंट्रीज मतलब काफ़ी सारे देश है ना, विविध देश, काफ़ी सारे देश डिस्प्लेइंग प्रदर्शित करते हुए, सॉलिडरिटी का मतलब है एकजुटता, एंड कॉपरेशन का मतलब है सहयोग, प्रोवाइडिंग इसेंशियल सप्लाईज टू अदर्स इवन वाइल टैकलिंग द नोवल कोरोना वायरस इन देयर ऑन बैकयार्ड। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, बट द पेंडेमिक हैज सीन सेवरल कंट्रीज, लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौर में हमें ये देखने को मिला है कि काफ़ी सारे देश जो हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग इसेंशियल सप्लाईज, कि इस वैश्विक महामारी के दौर में एक देश दूसरे देश को जो है जो भी जरूरी सामग्री चाहिए उसको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है ना, टू अदर्स इवन वाइल, यहाँ तक कि, इवन वाइल यहाँ तक कि टैकलिंग, टैकल का मतलब है सामना करना, किसी चीज़ से निपटना, इस नोवल का मतलब होता है बिल्कुल नया, कि भाई ये कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया के लिए जो नया है, इन देयर ऑन बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है एक तरीके से आपका जो घर होता है ना, उसके जो पीछे का आंगन होता है उसको बोलते हैं बैकयार्ड। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि कोई भी देश भले ही अपने देश में, जैसे कि कोई भी देश है उस देश में खुद कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वह देश जो है किसी दूसरे देश की अगर मदद की बात आती है ना, तो मदद करने में जुटा हुआ है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस वैश्विक महामारी के दौर में ज़बरदस्त एकजुटता और ज़बरदस्त सहयोग हमें आपसी देशों में देखने को मिला है, कि अगर किसी देश के आंगन में, यानी कि किसी देश के घर में खुद में कोरोना वायरस की समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा देश जो है सहयोग मांगता है, तो उस सहयोग को देने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इसेंशियल सप्लाईज, कि भाई जो भी सप्लाई चाहिए किसी देश को, तो वो जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज टू मिस्टर ट्रंप, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संदेश मिस्टर ट्रंप को, दैट क्या संदेश है, कि इंडिया शैल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प ह्यूमैनिटीज फाइट अगेंस्ट COVID-19, कि इंडिया हर संभव प्रयास करेगा, इंडिया शैल डू एवरीथिंग, कि भाई इंडिया जो कुछ हो सकता है ना, उस हम हर संभव प्रयास करेगा, पॉसिबल जो भी संभव है, टू हेल्प ह्यूमैनिटी मानवता की सहायता करने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, कि पूरा विश्व जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में लगा हुआ है, ये जो COVID-19 डिसीजेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है पूरा विश्व, तो भारत भी जो है मानवता की रक्षा करने के लिए या अन्य देशों की मदद करने के लिए COVID-19 के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता है ना, वो हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है ना मिस्टर ट्रंप को, शुड देयर फॉर बी सीन, तो इस मैसेज को देखा जाना चाहिए, बी सीन, इस मैसेज को देखा जाना चाहिए इन दैट लाइट, है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए। किस बात को ध्यान में रखते हुए, कि भाई भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
भारत जो है अन्य देशों की या फिर मानवता की सहायता करने की हर संभव कोशिश करेगा इस कोरोना वायरस के खिलाफ, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, इस लड़ाई में। तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ना, इस इन दैट लाइट कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज है, इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये जो अभी हाल ही में डिसीजन लिया है ना, ये बैन हटा लिया इस ड्रग से, तो इस मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस डिसीजन को देखना चाहिए। आगे देखते हैं कि लॉडेड एज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये जो लॉडेड इसका मतलब है जिसको सराहा जाता है ना, जिसकी प्रशंसा की जाती है, एज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ इंडियाज डिसीजन, कि भाई ग्लोबल साउथ कि भारत जो है ना उसे एक तरीके से ये जो पूरा की पूरा जो विश्व है उसका जो ग्लोबल लॉडेड एज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो भारत जो है एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फार्मेसी के रूप में ख्याति प्राप्त है भारत। इंडियाज डिसीजन टू एक्सपोर्ट द ड्रग ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स टू नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर्स दैट हैव बीन बैडली हिट बाय द पेंडेमिक इज वेलकम। देखो इंडिया क्या है, एक बहुत ही अच्छी, इंडिया जो है एक ऐसे देश के रूप में प्रतिस्थापित है जहाँ जो कि मतलब एक तरीके से जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी फार्मेसी के रूप में स्थापित है, यानी कि काफ़ी हद तक जो है इंडिया दवाइयों का निर्माण करता है और फिर उनका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको जो है दूसरे देशों को निर्यात करता है। तो इन इस चीज़ को और इस चीज़ के लिए इंडिया को सराहा जाता है, इस चीज़ के लिए इंडिया की प्रशंसा की जाती है। तो इस बात को अगर ध्यान में रखते हुए इंडियाज डिसीजन कि भारत का जो फैसला है ना, क्या फैसला है भारत का, टू एक्सपोर्ट निर्यात करने का, ड्रग को निर्यात करने का ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मानवीय आधार पर है ना, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, टू नेबरिंग कंट्रीज पड़ोसी मुल्कों को एंड अदर्स और अन्य देशों को, दैट हैव बीन बैडली हिट, वे देश या वे पड़ोसी देश जो कि बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं किसके द्वारा, इस वैश्विक महामारी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का ये जो डिसीजन है ना, अब ये जो ई आया ना, ये आया डिसीजन के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का जो डिसीजन है वह है वेलकम, वह स्वागतपूर्ण है, स्वागत योग्य है, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं, टिल रिसेंटली, अब तक है ना, अब तक टिल रिसेंटली इंडिया रिलाइड सोलली, सोलली मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से है ना, एकमात्र रूप से पूरी तरीके से, और रिलाई के साथ आता है ऑन प्रीपोजिशन है ना, रिलाई ऑन का मतलब है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर भरोसा करना। तो अब तक इंडिया एकमात्र रूप से पूरी तरीके से निर्भर था किस चीज़ पर, ऑन अदर कंट्रीज फॉर टेस्ट सप्लाईज, कि ये जो कोरोना वायरस की एक तरीके से ये जो टेस्ट की टेस्ट किट है ना मतलब, तो इसकी सप्लाई के लिए इंडिया एक तरीके से पूरी तरीके से बाहरी देशों पर निर्भर था, एंड मे लुक टू अदर्स फॉर इसेंशियल मटेरियल्स इफ़ द सिचुएशन वर्सन्स में, और इस बात की भी संभावना बनती है कि भारत जो है लुक टू अदर्स, लुक टू अदर्स मतलब एक तरीके से दूसरे की ओर देखना है ना, कि भाई दूसरे से मदद की आशा करना, कि इस बात की भी संभावना बनती है कि भारत को अन्य देशों से मदद की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर इसेंशियल मटेरियल्स, इसेंशियल मटेरियल्स यानी बहुत ही ज़रूरी सामान के लिए, इफ़ द सिचुएशन वर्सन्स, कि अगर परिस्थिति ये जो कोरोना वायरस की जो परिस्थिति बनी हुई है ये अगर और ख़राब होती है, परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है, तो हो सकता है भारत को अन्य देशों से कुछ ज़रूरी सामान की भी ज़रूरत पड़ जाए, ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि ऑल्सो, साथ ही साथ इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, ऑल्सो इंडिया मे हैव मच टू गेन फ्रॉम द US इन द फ्यूचर बाय दिस डिप्लोमेटिक एक्ट ऑफ सप्लाइंग द ड्रग एट ए क्रूशियल टाइम, कि ठीक है इस समय अमेरिका ने जो है ड्रग मांगी है और भारत ने जो है इस ड्रग से बैन हटा लिया है, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इस समय ये जो भारत अमेरिका की मदद करेगा ना, तो इससे पूरी पूरी संभावना है कि आगे आने वाले भविष्य में भारत को काफ़ी फायदा होगा। एज इंडिया हैव मच टू गेन, कि भारत को काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है ना, इस बात की संभावना बनती है फ्रॉम द US से, अमेरिका से, इन द फ्यूचर भविष्य में, बाय दिस डिप्लोमेटिक एक्ट, डिप्लोमेटिक एक्ट का मतलब है ये जो कूटनीतिक काम, जो बहुत ही सोच विचार के एक तरीके से कूटनीतिक काम जो भारत ने किया है ना, कौन सा काम किया है भारत ने, US को ड्रग सप्लाई करने का, सप्लाइंग द ड्रग एट ए क्रूशियल टाइम का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम, बहुत ही निर्णायक टाइम है ना, बहुत ही अहम समय, कि एक ऐसे अहम समय में भारत ने एक तरीके से अमेरिका की मदद की है, तो भारत को भी जो है आगे भविष्य में अमेरिका से मदद मिल सकती है कई अन्य चीज़ों में। द सडन डिमांड, कि अचानक से ये जो डिमांड आई है ना किस चीज़ के लिए, इस दवाई के लिए, इस औषधि के लिए जिसका कि नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे की पूरे विश्व में, आफ्टर मिस्टर ट्रंप चैम्पियन इट, आफ्टर
मिस्टर ट्रंप चैंपियन, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना चैंपियन, चैंपियन का मतलब होता है समर्थन करना, एज ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 पेशेंट्स, कि जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इस औषधि के बारे में मिस्टर ट्रंप ने ऐसा समर्थन किया है, मिस्टर ट्रंप ने इस औषधि के बारे में ऐसा कहा है कि भाई ये जो COVID-19 पेशेंट्स हैं ना उनके ट्रीटमेंट के काम आ सकती है ये दवाई, तो जब से उन्होंने ऐसा कहा है ना तब से इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे है ये औषधि किस काम आती है, एंटी मलेरिया के, मतलब ये एक तरीके से ड्रग है, ये मलेरिया के काम में आती है, ये मलेरिया को रोकने के। लेकिन जब से मिस्टर ट्रंप ने समर्थन किया है ना ये COVID-19 के मरीजों के भी काम आ सकती है, तब से इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द ड्रग बिकेम मच सॉट आफ्टर, द ड्रग ये जो औषधि है बिकेम बन गई काफ़ी ज़्यादा मच सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सॉट, सीक का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को देखना। इन इंडिया आफ्टर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड इट्स यूज एज प्रोफिलैक्सिस फॉर नोवल कोरोना वायरस बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑन मार्च 23। सर्टेन कैटेगरीज, एक सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित वर्ग कि भाई ये जो हमारी एक तरीके से क्या है ये जो है ना हमारी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो जब इसने इस बात की जब इसने इस बात का अनुमोदन किया है ना, जब इसने इस बात को कहा ना प्रोफिलेक्सिस जो शब्द आया ना, इस प्रोफिलेक्सिस का मतलब होता है एक तरीके से रोग निरोध, कि भाई ICMR ने जब ये कहा कि कुछ व्यक्तियों में यानी कि कोरोना वायरस के जो कुछ केस हैं उन केसेस में कुछ व्यक्तियों में ये व्यक्ति एक तरीके से क्या है रोकने का काम कर सकती है ना कोरोना वायरस के, एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए जो है कुछ हद तक जो है काम आ सकती है, तब से ये दवाई जो है इसको लोग बाग जो है चाहने लगे है ना, इसकी जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई भारत में। ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाह रहा है कि द ड्रग बिकेम मच सॉट आफ्टर, कि इस ड्रग को जो है बहुत ज़्यादा देखे जाने लगा है ना, इसको जो है मांग जो है एक तरीके से बढ़ गई इस ड्रग की। कब से बढ़ गई, कि जब से ये जो ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसने इस बात का समर्थन किया कि साहब ये जो इसका यूज किया जा सकता है इस ड्रग का एज प्रोफिलेक्सिस, प्रोफिलेक्सिस का मतलब रोकने के काम आ सकती है ये इस नोवल कोरोना वायरस को कुछ कुछ पीपल्स में ना, कुछ लोगों में है ना, कुछ लोगों में। 2 डेज लेटर, 2 दिन बाद में 23 मार्च को तो ICMR ने कहा कि हाँ कुछ लोगों में जो है इसका जो है यूज कर सकते हैं हम कोरोना वायरस के लिए, तो 2 दिन बाद क्या हुआ, द ड्रग वॉज प्लेस्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी फॉर एक्सपोर्ट। तो जब ICMR ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ऐसा कहा ना कि भाई कोरोना वायरस को रोकने में कुछ हद तक जो है ये काम आ सकती है ये दवाई, तो इसके 2 दिन बाद ही इस दवाई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया भारत सरकार द्वारा है ना। 2 डेज लेटर द ड्रग वॉज प्लेस्ड, ड्रग को रख दिया गया इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी मतलब एक तरीके से प्रतिबंधित वर्ग, प्रतिबंधित सूची में डाल दिया इसे फॉर एक्सपोर्ट, कि साहब इस दवाई का आप जो है निर्यात नहीं कर सकते, एंड इंक्लूडेड इन शेड्यूल H1 ऑन मार्च 26, और इस दवाई को जो है शेड्यूल H1 में रख दिया गया 26 मार्च को टू प्रिवेंट इट्स सेल ओवर द काउंटर। भाई ये बात भी कह दी गई कि आप इसे काउंटर पे भी नहीं बेच सकते, यानी कि ये जो मेडिकल की दुकानें होती हैं ना वहाँ पर भी इस दवाई को जो है नहीं बेचा जा सकता है ना, टू प्रिवेंट है ना, इसको क्या किया गया इसमें रख दिया गया शेड्यूल H1 में। जब कोई दवाई शेड्यूल H1 में आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है उसे काउंटर पर नहीं बेच सकते ना, टू प्रिवेंट मतलब रोकना, इट्स सेल ओवर द काउंटर देयर बाय प्रिवेंटिंग, ताकि देयर बाय मतलब यहाँ पे ताकि प्रिवेंटिंग रोकने के लिए सेल्फ मेडिकेशन, कि लोग बाग जो है अपने हिसाब से दवाई ले लेते हैं ना, गए दुकान पे और जाके अपने हिसाब से दवाई ले ली उसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन, एंड होल्डिंग, और ये जो होल्ड शब्द आया इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ मेडिकल वाले जब ये पता लग गया थोड़ा बहुत कुछ हद तक ये बात पता चल गई कि भाई हाँ कि ये जो है कोरोना वायरस को रोकने के काम आ सकती है, तो हो सकता है जो मेडिकल वाले जो हैं इसका इकट्ठा करना चालू कर दें लोग बाग इसे, और जिनको थोड़ा बहुत भी संक्रमण लगता है वे खुद जाके दवाई लेने लग जाए, तो इस पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि न तो इसका व्यापार किया जा सकता है, न तो इसे देश से बाहर बेचा जा सकता है, न इसे इकट्ठा किया जा सकता है, न इसे मेडिकल की दुकानों पर बेचा जा सकता है, इस तरह का प्रतिबंध भारत ने लगा दिया। दिस वॉज ऑल्सो टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी टू पीपल विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अदर कंडीशन, दिस वॉज ऑल्सो टू इंश्योर, और यह भी सुनिश्चित करना था
इट्स अवेलेबिलिटी कि भाई ये जो दवाई है ना ये अवेलेबल हो सके किन लोगों को, उन लोगों को अवेलेबल हो सके विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब होता है एक तरह का गठिया रोग, जोड़ों में जो दर्द होता है ना उसको बोलते हैं अर्थराइटिस, है ना। तो एक विशेष प्रकार का जो गठिया रोग होता है उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अदर कंडीशन। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दिस वॉज ऑल्सो टू इंश्योर कि भाई इस बात को भी सुनिश्चित करना था कि दवाई जो है उपलब्ध हो सके उन लोगों को जिनको कि एक तरीके से गठिया रोग है या फिर इसी तरह की अन्य कोई बीमारियां हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन, इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरीन टैबलेट ऑफ 200 mg स्ट्रेंथ ईच मंथ। अब देखो भारत की क्या क्षमता है कि भारत प्रत्येक मंथ जो है 200 mg की ताकत की गोली जो है बना सकता है, कितनी, 200 मिलियन। ये देखो कह रहा इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी, भारत की उत्पादन क्षमता कितनी है, 200 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरीन टेबलेट्स ऑफ 200 mg, कि 200 mg पावर की टेबलेट हम कितनी बना सकते हैं, 200 मिलियन एक मंथ में। एंड 3 वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और 3 कंपनी हैं हमारे पास जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से सक्रिय हैं, मैक द ड्रग, जो कि इस औषधि को बनाती हैं। वाइल द कैपेसिटी इज सफिशियंट टू मीट द करंट डिमांड, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारी क्षमता है ना इस ड्रग को निर्मित करने की, ये पर्याप्त है टू मीट द करंट डिमांड, कि वर्तमान में जो भी हमें आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं इस ड्रग से संबंधित, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कंपनीज पर्याप्त हैं ना। द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट ऑफ, ये जो कंपनीज हैं तीनों की तीनों कंपनी जो इस ड्रग का निर्माण करती हैं, ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, है ना, उनको विश्वास है इस बात का। ऑफ रैम्पिंग ऑफ प्रोडक्शन, ये जो शब्द आया ना रैम्प अप, इस रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना। तो ये इन कंपनियों को पूरा विश्वास है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं। द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट ऑफ रैम्पिंग अप प्रोडक्शन इफ़ द नीड अराइसेस, अगर ज़रूरत खड़ी होती, अगर ज़रूरत पैदा होती है, अराइज का मतलब है पैदा होना, खड़े होना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन कंपनियाँ, ये कंपनी जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम इनका उत्पादन जो है बढ़ा भी सकते हैं। आगे देखते हैं कि इन ऑल लाइकलीहुड इन द शॉर्ट टर्म, इन ऑल लाइकलीहुड इन द शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए अगर हम देखें, पूरी की पूरी जो संभावनाएं बनती हैं ना उन संभावनाओं पर अगर हम विचार करें, तो इंडिया माइट नॉट रन आउट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कि इस बात की मतलब कमी संभावना नज़र आती है कि इंडिया में जो है कमी पड़ जाए, है ना, इंडिया माइट, है ना, इस बात की कम संभावना लगती है, माइट नॉट रन आउट, है ना, रन आउट का मतलब है कि कमी नहीं पड़ेगी हमारे पास इसकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। एज क्यों, द नेशनल टास्क फोर्स फॉर COVID-19 हैड रिलाइड ऑन वीक एनेक्डोटल एविडेंस टू मेक द रिकमेंडेशन, कि पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय नेशनल टास्क फोर्स का मतलब है कि पूरी की पूरी जो हमारी राष्ट्रीय टीम, एक तरीके से राष्ट्रीय टीम का यहाँ पे मतलब है कि भाई जो भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो कि इस COVID-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, तो उनका ज़्यादातर लोगों का क्या मानना है, उस टीम का क्या मानना है, फॉर COVID-19 हैड रिलाइड ऑन वीक एनेक्डोटल एविडेंस टू मेक द रिकमेंडेशन, तो उनको इस बात के कम प्रमाण मिले हैं, मतलब है ना इस बात के बहुत ही कम प्रमाण मिले हैं उन्हें कि इसको रिकमेंड करें वो, कि भाई काफ़ी सारे ठीक है कि ICMR ने तो बोल दिया कि ये COVID-19 के ट्रीटमेंट में कुछ हद तक कुछ लोगों में काम आ सकती है, लेकिन फिर भी एक कुछ ऐसा भी वर्ग है, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि नहीं इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है ये दवा, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दो, यद्यपि द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि US का ये जो एक तरीके से फूड एंड ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि ये जो औषधि से संबंधित जो मंत्रालय है, इशूड, उसने जारी किया क्या, एन इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन फॉर द ड्रग, भाई उन्होंने तो क्या है इस बात की अनुमति दी है साहब कि इसको जो है इमरजेंसी यूज किया जाए, इस औषधि का जो है इमरजेंसी यूज किया जाए, टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स ऑन अप्रैल 7 को, ये जो अमेरिका का एक तरीके से ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, औषधि से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, उसने जो है एक तरीके से कहा है कि भाई आपातकाल में इसका यूज करना चाहिए, उसकी अनुमति दी है, मतलब है ना COVID-19 के पेशेंट्स को 7 अप्रैल को। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है एडिटोरियल, कि द अटलांटा बेस्ड सेंटर्स, ये अटलांटा अमेरिका में एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये जो केंद्र स्थापित है किससे संबंध किया है, वो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कि भाई एक केंद्र है अटलांटा में, वो केंद्र क्या काम करता है, उसका यही काम है बीमारियों की रोकथाम से संबंधित जो काम है, उसने जो है दोबारा से इस चीज़ को जांचा, रिवाइज़ किया इट्स पोजीशन, इस ड्रग के बारे में जो है इसकी स्थिति को दोबारा से जांचा, देखा इट्स पोजीशन सेइंग देयर इज
नो ड्रग अवेलेबल टू प्रेवेंट और ट्रीट कोविड-19। तो इसका क्या कहना है भाई, ये जो कनाडा में सेंटर है ना, जो एक तरीके से बीमारियों की रोकथाम से संबंधित काम करता है, तो उसने दोबारा से जो है इस कोविड-19 को और ये जो ड्रग है इसकी जो है दोबारा से जांच की, और इसके बाद में उसने क्या कहा, सेइंग देर इज नो ड्रग अवेलेबल, कि भाई कोई भी औषधि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ना, इस कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, इसको ट्रीटमेंट है ना, इसको क्योर करने के लिए। क्लियरली निश्चित रूप से मोर रिसर्च वर्क इज नीडेड। अब एडिटोरियल का कहना है कि अभी भी काफ़ी सारा अनुसंधान किया जाना जरूरी है, अभी भी काफ़ी सारा रिसर्च काम किया जाना जरूरी है ये स्थापित करने के लिए, टू स्टेब्लिश द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। ये जो एफिकेसी शब्द है ना, इसका मतलब है प्रभावोत्पादकता है ना, यानी कि प्रभावशीलता, एफिकेसी ऑफ द ड्रग, कि भाई एक तरीके से ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो मलेरिया वाली जो ड्रग है इसको कोविड-19 के लिए काम ले रहे हैं, तो ये कितनी प्रभावी है और कितनी प्रभावी नहीं है इसकी जांच करने के लिए अभी भी काफ़ी रिसर्च किया जाना बाकी है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है कि भाई अभी बिल्कुल हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ ये जो औषधि है ये कोविड-19 को रोकने के काम आ सकती है ना, कि भाई कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, तो फाइनली उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी काफ़ी रिसर्च बाकी है। ब्लैंकेट बैन, इस ब्लैंकेट बैन का मतलब है एक तरीके से किसी चीज़ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना है ना, पूर्ण प्रतिबंध, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैंकेट बैन। बैकयार्ड, इसका मतलब होता है जो घर के आपके पीछे जो आंगन होता है ना उसको बोलते हैं ब्लैंक, ये बैकयार्ड है ना, पिछवाड़ा। चैम्पियन, तो चैम्पियन का एक मतलब तो आप जानते ही, दूसरा मतलब होता है चैम्पियन का जब वर्ब के रूप में चैम्पियन इस्तेमाल होता है, तो चैम्पियन का मतलब है किसी चीज़ का समर्थन करना है ना, किसी चीज़ के हिमायती होना। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोग निरोध है ना, ट्रीटमेंट और एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट ए डिसीज़। इसके बाद है ये आर्थराइटिस का तो ध्यान में रखना है ना, आर्थराइटिस या जो रूमेटिड आर्थराइटिस है ना उसका मतलब होता है गठिया रोग। इसके बाद है रैंप अप है ना, तो ये इस रैंप अप को ध्यान में रखना, इस रैंप अप का मतलब है बढ़ाना, ए लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन द लेवल ऑफ समथिंग, तो उसको हम बोलेंगे रैंप अप। इसके बाद है एफिकेसी, इस एफिकेसी को ध्यान में रखना अच्छी तरीके से है ना, एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस है ना, कोई भी दवा दवा जो है वो कितनी प्रभावी है ना, उसको जब जांचना हो ना मैं कि भाई इसका कितनी प्रभावी है, मतलब उसकी प्रभावोत्पादकता, बिल्कुल हिंदी में बोलेंगे प्रभावोत्पादकता या फिर इसकी प्रभावशीलता, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस या फिर एफिकेसी।